गाड़ी चला सुन नहीं जाम बहुत जाती और डैड नंदी असली से उसका भी लेकिन मैं उन पास नहीं और डैड नहीं देखे टर्न करो जी इधर मुड़ो बेबी भी इधर मुड़ो उधर करना उधर करता पाओ ये ना हो ना पार कर चलो बराबर चलो उसे भी वेटिंग हो रही है चलो जितने भी मेरे साथी बड़े भाई पंची सरपंची कौंसलर हजरात जो मुझे पैंच में सुरनकोट में लसाना में जड़ा वाली गली में जिन सब भाइयों ने इस ठंड के और बारिश के मौसम में मेरा वेलकम किया मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उन सब को और आने वाले वक्त में मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को और जम्मू तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे से जो पार्टी के लिए और देश के लिए बन पाया मैं ज़रूर करूँगा अपनी
खून पसीना और टाइम भी देंगे और मेहनत भी करेंगे। पंच के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा दिन है। सरदार गुरुदेव सिंह ने जो एक सियासी शख्सियत जानी पहचानी, जो कि सियासी पार्टियों में बड़ा अहम रोल अदा करते आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। लोगों का जो प्रोपगंडा होता था भारतीय जनता पार्टी को, उसको निकार करके उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को बहुत खुशी है। कम से कम 150-200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो आज पहली बार पुंछ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आए हैं, और उनके वेलकम के लिए जितने भी यहाँ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पुंछ की सियासी सिचुएशन कितनी बदली है। जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी टूट गई है पिछली नई टीम बनने के बाद, अब उनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बाकी सारी पार्टियाँ नाम गिरा गई हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो मजबूत बन के पुंछ में आई है।